हेलो एवरीवन, माइसेल्फ विनय सिंह। आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कहना है कि हम एक वन शॉट डिवीजन करने जा रहे हैं। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एक घंटे में या वन एंड हाफ आवर में ये पूरा चैप्टर क्या ना फिनिश हो जाए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्पेशली क्या ना कि जो चीज़ें डिस्कवरी को लेकर के है, तो सबसे पहले उसको क्या ना कि हम ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कवरी में स्पेशली क्या ना कि हमारे पास इस सिलेबस में तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसको कैसे वन शॉट रिवाइज करोगे। तो एक तरफ क्या ना इलेक्ट्रॉन का कॉलम बना लीजिए और एक तरफ क्या ना प्रोटॉन का कॉलम बना लीजिए, और इसके रिगार्डिंग जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारा का सारा क्या ना वन शॉट में रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन है और इधर आप क्या कर लीजिए, प्रोटॉन कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ओके, क्योंकि इसमें टेबल में क्या ना जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें हम लोग टेबल के माध्यम से रिवाइज कर लेंगे। ओके, चैप्टर का हेडिंग है वन शॉट रिवीजन स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अब देखो इसमें क्या ना एक कॉलम आप बना सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में देखो इससे पहला जो है डिस्कवरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है ना डिस्कवरी, तो डिस्कवरी देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे जे थॉम्सन ने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉम्सन, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक इसका पूरा नाम आता है। तो इसको शॉर्ट में क्या ना कि और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। इधर क्या ना कि EPN और डिवाइड बाय क्या ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको और शॉर्ट तरीके से कैसे याद कर सकते हो, इसको क्या ना T लिख सकते हो, T मतलब थॉम्सन, और P का स्पेशली क्या ना G गोल्डस्टीन, और N से क्या आ जाएगा C। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो EPN डिवाइड बाय TGC, यानी E का डिस्कवरी जे जे थॉम्सन, प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने किया था। ओके, तो ये कहना है कि आपका मतलब पहला पॉइंट है प्रॉपर्टीज में स्पेशली ये तो नहीं है, तो यहाँ पर आप डिस्कवरी कर लोगे। तो डिस्कवरी में जे जे थॉम्सन और प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने। अब कहना है देखो इस पर क्या लिख सकते हो, चार्ज। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज में क्या लिखोगे, अब इस प्रॉपर्टी में नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हो चार्ज। तो देखो इलेक्ट्रॉन पे जो एब्सोल्यूट चार्ज आता है, एब्सोल्यूट चार्ज कुछ ऐसे आता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम आता है, और इसमें क्या ना कि +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम आता है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। अब देखो ये चार्ज हो गया, तो चार्ज के बाद क्या ना रिलेटिव चार्ज लिख लो इसमें। एक अगला प्रॉपर्टीज है रिलेटिव चार्ज, ये भी आप नोट कर लीजिए। यानी रिलेटिव चार्ज का स्पेशली मतलब है कि इसमें एक्चुअल चार्ज तो ये होता है, तो इसका जो माइनस है ये -1 रिलेटिव चार्ज हो गया, ये इसका +1 और ये इसका 0 हो गया समझो। ओके, तो नेक्स्ट अब इसमें क्या लिखोगे, मास लिख लो, इलेक्ट्रॉन का क्या मास आता है, तो मास यहाँ पर लिख लो एब्सोल्यूट मास। बेटा इसमें मास जो आता है 9.1 × 10⁻²⁷ आता है। अगर केजी में ले जाओगे तो केजी में आएगा -31 kg आता है, अंडरस्टैंड हो गया। तो ये इसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास। इस वाले में जरा फोकस करो बेटा, इसमें आता है 1.67 × 10⁻²⁴ आता है। ओके, ये सेम मास क्या है ना न्यूट्रॉन का भी कुछ ऐसे ही आता है, तो न्यूट्रॉन में भी मास कुछ ऐसे ही है 1.67 × 10⁻²⁴। ऑलमोस्ट क्या ना कि न्यूट्रॉन स्लाइटली जो होता है प्रोटॉन से ज़्यादा मास रखता है, अगर स्लाइटली अगर कैलकुलेट किया जाए तो न्यूट्रॉन का मास जो होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन हैवी होता है, थोड़ा ज़्यादा लार्जर होता है। डन, रिलेटिव चार्ज हो गया, मास हो गया। अब क्या ना इसमें रिलेटिव मास निकालो, देखो रिलेटिव मास, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव मास इसको स्टडी कर लिया जाए, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। रिलेटिव मास, ये रिलेटिव मास का मतलब बेटा ये है कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ये पॉइंट्स कहना कि ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा फेमस है, यानी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास कितना टाइम्स होगा, प्रोटॉन का कितना टाइम्स होगा और न्यूट्रॉन का कितना टाइम्स होगा। देखो
हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 1837 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन के मास के रिस्पेक्ट में क्या ना कि 1/1837 टाइम्स मल्टीपल होता है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए प्रोटॉन में, देखो तो प्रोटॉन में स्पेशली क्या ना कि जो जो हाइड्रोजन का मास होता है वो विच इज इक्वल टू 1 होता है, और उसमें भी यही इतना ही आएगा, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको आप लिख सकते हो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये रिलेटिव मास है समझे, यानी जो हाइड्रोजन का मास होगा वही क्या ना प्रोटॉन का रिलेटिव मास होगा, सेम क्राइटेरिया इसको भी फॉलो करेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये सारी बेसिक क्या ना कि आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखो इसमें अगला पॉइंट ये नोटिस कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है वो कहाँ से हुई है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है कैथोड से, तो इसमें क्या लिख सकते हो जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, सोर्स ऑफ ओरिजिन कैथोड रेज, ओके, सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है कैथोड रेज, इसमें क्या लिखोगे सोर्स ऑफ ओरिजिन एनोड रेज, सोर्स ऑफ ओरिजिन एनोड रेज, और इसमें क्या लिखोगे यानी बेरिलियम पे बेरिलियम 4B9 जब इस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गया, अल्फा पार्टिकल बेटा स्पेशली क्या ना कि ये हीलियम के इक्विवेलेंट रखता है, यानी जो अल्फा पार्टिकल्स होता है ये जो न्यूक्लियस होता है ये हीलियम के इक्विवेलेंट रखता है, तो हीलियम में एटॉमिक नंबर कितना आता है 2, मास नंबर कितना आता है 4, तो इसको मैं इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकता हूँ 2α4। अब देखो जब इस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गया तो इस पे क्या ना कि एक नया फंडामेंटल पार्टिकल्स एमिट किया जिसको बोला गया न्यूट्रॉन बोला गया, जब इसको बैलेंस करोगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है कार्बन का होता है, ये कुछ ऐसे आएगा 6 कार्बन, और इसको आप करोगे तो बेटा ये कुछ ऐसे आएगा, और प्लस इसको जब बैलेंस किया गया तो 0N1, यानी इसका न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 0 है, मास नंबर 1 इक्विवेलेंट होता है। तो दीज आर द फंडामेंटल पॉइंट्स, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी सोर्स ऑफ ओरिजिन कैथोड रेज है, और प्रोटॉन की डिस्कवरी एनोड रेज से होता है, यानी इसमें क्या होता है कि कैथोड से जो रे एमिट होंगे ये एनोड की ओर जाएंगे, यानी कैथोड से कहाँ जाएंगे एनोड से जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है कैथोड से हुई है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको पूछ सकता है कि फ्यू पॉइंट्स ऑफ कैथोड रेज या राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, इसमें पॉइंट का क्या लिख सकते हैं जरा सुन लीजिए अच्छे से, तो कैथोड के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन एंड दे मूव कैथोड टू एनोड रेज, ओके। अब जब इसके अंदर क्या ना कि जब आप ये व्हील्स वगैरह रखते हो तो ये क्या ना व्हील्स को रोटेट कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, जब इसमें क्या ना कि आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो इसको क्या ना कि अपोजिट पोल्स की ओर बेंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाते हो तो क्या ना कि ये स्पेशली पॉजिटिव की ओर बेंट होते हैं, तो जब पॉजिटिव की ओर बेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर तो इससे ये सजेस्ट होता है कि जो पीछे वाला रहा होगा ना इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहा होगा, तो इस पॉइंट से क्या ना कि हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस पे जो चार्ज आता है माइनस को इंडिकेट करता है, तो ठीक क्या ना इसी का अपोजिट आपका ये हो जाता है। अब देखो स्पेशली क्या ना इसमें कुछ और भी पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर सकते हो, दिस इज द ई बाई एम रेशियो, अगला इसमें बेटा पॉइंट लिख सकते हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज बाई मास रेशियो, क्या लिखोगे चार्ज बाई मास रेशियो, तो विद इन अ शॉर्ट टाइम में क्या ना कि ये सारे पॉइंट्स आप किसी भी एग्जाम के लिए बस ये टेबल आप रिवाइज करके चले जाओगे तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हो। इसमें अगला पॉइंट बेटा लिख सकते हो ई बाई एम रेशियो, ओके, पहले आप इतना नोट कर लीजिए ताकि मैं ऊपर लिख दूं अच्छे से, ई बाई एम रेशियो, इसमें देखो ई बाई एम रेशियो जो बेटा इसमें आता है इसका जब वैल्यू पुट करोगे इलेक्ट्रॉन का तो 1.6 × 10⁻¹⁹, और इसमें स्पेशली क्या है ना एम की जब वैल्यू पुट करोगे 9.1 × 10⁻²⁷ ग्राम, बेटा ये सॉल्व होके आता है 1.76 × 10⁸, और ये देखो ग्राम में है समझो, तो इसको कुछ ऐसे आप पूरा अच्छे से लिख लो 1.76
10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम. दिस इज द वैल्यू ऑफ ई बाई एम. दिस इज द वैल्यू ऑफ ई बाई एम फॉर इलेक्ट्रॉन. तो ये पॉइंट्स क्या ना इंपॉर्टेंट है समझो. यानी इसमें ई बाई एम, देखो इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हो. ई बाई एम का जो कैलकुलेशन है यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाई एम या फिर कैलकुलेशन ऑफ ई बाई एम इज गिवन बाई जे जे थॉम्सन. यानी ई बाई एम का जो वैल्यू है वो किसने आइडेंटिफाई किया? सर जे जे थॉम्सन ने आइडेंटिफाई किया. क्लियर हो गया सभी को? यानी इसमें क्या ना कि ई बाई एम जो कैलकुलेट किया, ई बाई एम का जो कैलकुलेशन किया किसने किया था? इज गिवन बाय, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गिवन बाय जे जे थॉम्सन. ओके, अब देखो इसमें स्पेशली क्या कहते हैं, ई बाई एम तो आ गया. अब इसमें ई बाई एम जो है इसके अलावा देखो यहां पर, यानी डिटर्मिनेशन एक पॉइंट इसमें और लिख सकते हो, डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज मिलिकन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ओके, यानी स्पेशली क्या है कि देखो चार्ज का जो कैलकुलेशन किया था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, और E by M किसने कैलकुलेट किया था? सर जे जे थॉम्सन ने. तो दोनों पॉइंट थोड़ा अलग है समझो, अच्छे से फोकस करना. यानी E by M का जो कैलकुलेशन किसने दिया था? जे जे थॉम्सन ने. चार्ज किसने कैलकुलेट किया था? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन साइंटिस्ट का नाम है और इसने कह रहा है कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसने कैलकुलेट किया था. तो फिर से एक बार सुन लीजिए अच्छे से, यानी चार्ज का जो कैलकुलेशन किया था मिलिकन साहब ने किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड से. E by M किसने कैलकुलेट किया था? सर जे जे थॉम्सन ने. अंडरस्टैंड हो क्या? अब जरा नोटिस करो, अब इसमें देखो जो कैथोड रेज होते हैं, जो कैथोड से क्या ना कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ है, तो इसमें जो होता है वैल्यू यानी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड्स नहीं करता है. बेटा इसमें स्पेशली क्या ना, आप ये मैं इरेज कर देता हूँ. इसमें अगला पॉइंट देखो, इसमें अगला पॉइंट क्या मेंशन कर सकते हो, डू नॉट डिपेंड नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस. ओके, यानी ई बाई एम का जो रेशियो है ना समझो कि ये फिक्स्ड आएगा, सेम आएगा. इसमें क्या आएगा देखो, प्रोटॉन के लिए समझो ई बाई एम इज नॉट सेम. ओके, यानी इस वाले में देखो ई बाई एम क्या आएगा? सेम आएगा. इसमें ई बाई एम समझो सेम नहीं आएगा. यानी इसमें जो है प्रोटॉन, यानी माना गया समझो जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुआ है हाइड्रोजन से हुआ है. ओके, किससे हुआ है? हाइड्रोजन से हुआ है. और स्पेशली क्या ना कि इसमें जो नेचर ऑफ गैस है समझो, तो इसमें अगला पॉइंट लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस. इस पॉइंट को थोड़ा फोकस कर लेना अच्छे से. यानी स्पेशली क्या बेटा देखो, इसमें ई बाई एम या स्पेशली जो कैथोड रेज होते हैं नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड्स नहीं करेंगे, बट प्रोटॉन की डिस्कवरी में जो एनोड के सोर्स से हुआ है इसमें नेचर ऑफ गैस पे ये डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस. ओके, और जो प्रोटॉन की स्पेशली जो डिस्कवरी हुआ है वो हाइड्रोजन गैस से हुआ है. किससे हुआ है? हाइड्रोजन गैस हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का एक लाइटेस्ट गैस होता है समझो. अब स्पेशली कहना है कि देखो इसमें कुछ ऐसे है, अगर आप हाइड्रोजन को जब आयनाइज करोगे तो ये एच प्लस टूटेगा और ये क्या टूटेगा? इलेक्ट्रॉन समझो. तो ये जो H प्लस है ना, तो इसको क्या बोलोगे? प्रोटॉन बोलोगे. और ये जो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, इससे तुम्हारा जनरेशन हुआ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुआ. तो ये वाला पोर्शन समझो क्या कह सकते हो, ये एनोड से हुआ और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हुआ समझो ये किससे हुआ? फ्रॉम कैथोड से हुआ. ओके, देखो ये दोनों कंपेरिजन क्या थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में थे. ये पॉइंट्स क्या ना कि काफी इंपॉर्टेंट था, फिर इसको अच्छे से एक बार कैप कर लो. इसमें E बाई एम का रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा, चाहे जो भी गैस आप फुलफिल करोगे. इसमें क्या ना कि E बाई एम रेशियो क्या होगा? सबका सेम नहीं आएगा. दूसरा पॉइंट क्या आपने समझा इसमें, कि E बाई एम जो है समझो, या स्पेशली जो अंदर आप गैस भरते हो कैथोड में समझो, स्पेशली जब कैथोड का डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन से हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवरी हुआ है वो कैथोड से हुआ है, तो जो डिस्चार्ज ट्यूब है उस डिस्चार्ज ट्यूब में आप समझो कि कोई भी गैस भरोगे, सपोज हाइड्रोजन गैस या सपोज ऑक्सीजन गैस या फिर नाइट्रोजन गैस, क्योंकि हर एक गैसेस क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे. क्या एमिट करेंगे? इलेक्ट्रॉन का एमिट करेंगे.
तो जो भी आप E बाई एम निकालोगे यही वैल्यू आएगा, अंडरस्टैंड हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि E बाई एम इज कॉन्स्टेंट फॉर एनी गैसेस, और इसमें अगला पॉइंट हमारा क्या हो गया, डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, और इस वाले में क्या हो जाएगा, E बाई एम तो सेम नहीं आएगा। जब सेम नहीं आएगा तो क्या है ना कि गैस पर भी डिपेंड्स करता है, समझो। क्लियर हो गया, क्योंकि हर एक गैसेस में क्या है कि अलग अलग, समझो क्या कहते हैं, उसका प्लस आएगा, किसी में हो सकता है दो प्लस आ सकता है, किसी में हो सकता है तीन प्लस आ सकता है, किसी में एक प्लस आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ गैस। ओके, तो दिस इज द फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ओके, नेक्स्ट देखो टॉपिक इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद से। आइसोटोप से आइसोबार है, आइसोटोन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, आइसोटर से आइसोडाइफर से, इनसे भी कहना है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अभी भी एग्जाम में दिख जाते हैं। तो देखो इनको इनको जानने से पहले कहना कि एक एलिमेंट का क्या ना सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन आता है, तो पहले क्या ना उसको जरा समझते हैं कि एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो जेड हो गया, एक्स हो गया और ये ए हो गया, समझो। पहले क्या ना कि एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जेड एक्स ए। अब देखो इसमें क्या ना कि जेड को क्या क्या बोल सकते हो, तो देखो जेड को क्या क्या बोला जा सकता है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको क्या शो करोगे, एटॉमिक नंबर। अब देखो इसको क्या ना, एटॉमिक नंबर जितना होगा एलिमेंट का उतना ही क्या होगा स्पेशली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। इसको स्लैश कर सकते हो विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उतना ही देखो क्या होगा बेटा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा, समझो। ओके, तो देखो स्पेशली क्या ना कि पहले यहां तक जाने के लिए हमें क्या ना कि थोड़ा ये बेसिक क्लियर हो जाए। तो जेड को क्या ना कह सकते हो कि तीन नाम से जाना जाता है, जेड को हम लोग तीन नाम से जानते हैं, एटॉमिक नंबर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। अब देखो ए को क्या है ना, ए को दो नाम से जानोगे, अगर एलिमेंट है तो इसको एटॉमिक मास भी कह सकते हो, तो एटॉमिक मास, या फिर इसी को बोला जाएगा बेटा मास नंबर। अब इस देखो मास नंबर में क्या होता है ना कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की सम को कहते हैं एटॉमिक मास कहते हैं, तो इसको एन प्लस पी भी कह सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें सही देखो क्या ना कि तुम्हें सपोज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा, तुम्हें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक न्यूट्रॉन का देखो क्या ना कि फॉर्मूला लिख सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आपको फॉर्मूला लिखना होगा, तो इसको n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a माइनस जेड। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये सिंपलेस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जरा देखो इसमें इसको और देसी भाषा में कैसे याद कर सकते हो, मतलब देखो ये तो किताबी पैटर्न हो गया, यानी n इज इक्वल टू a माइनस जेड। अब देखो इसका इजी तरीका देखो क्या हो सकता है, यानी देखो ये आपको मास नंबर दिखता है, नीचे क्या दिखता है, एटॉमिक नंबर दिखता है। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि अपर में से लोअर को माइनस कर दो। आसान तरीका ये है कि आप इसको याद करने की बजाय आप क्या करो, अपर में से लोअर को माइनस कर दो। एग्जांपल के तौर पे देखो क्या ना, स्पेशली इसमें आ जाओ, जैसे फेमस एग्जांपल सोडियम आता है 11Na23। तो किसी भी एलिमेंट्स को क्या ना हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, यानी सोडियम कितना एटॉमिक नंबर है, 11, और ये एलिमेंट का सिंबल बीच में, और इसका क्या हो गया, मास नंबर हो गया। तो अब आप इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है। तो सपोज कहना कि मेरे को न्यूट्रॉन निकालना है, तो क्या कर दोगे, अपर में से लोअर कर दोगे, तो 23 में से 11 जाएगा तो बेटा 12 आएगा, समझो। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर हो गया। अब देखो ये बेसिक को उठा करके आओ, देखो कहना इसको यहाँ पे पुट करते हैं, यानी इस बेसिक को अगर आप समझ गए तो ये बेसिक को कहाँ उठाया जाए, यहाँ पुट किया जाए। अब देखो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बेटा आइसोटोप्स आता है, क्या आता है, आइसोटोप। तो आइसोटोप में क्या लैंग्वेज आएगा, सेम एटॉमिक नंबर, क्या लिखोगे इसमें, सेम एटॉमिक नंबर। अब देखो एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, जेड होता है, तो मैं इसको देखो सिंबल के तौर पे ऐसे लिख सकता हूँ, सेम जेड, ठीक है, यानी सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट डिफरेंट ए। क्लियर हो गया, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा, एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाएगा, तो ऐसे वाले को आइसोटोप्स कहते हैं। एग्जांपल देखो इसमें लिखते हैं, चलो देखो इसमें एग्जांपल सबसे फेमस है 1H1, 1H2, और इसके अलावा तीसरा एग्जांपल फेमस है इसमें 1H3। ओके, ये तीनों एग्जांपल आप नोट कर लें, 1H1, 1H2, 1H3। बेटा 1H1 का नाम है स्पेशली प्रोटियम, इसका नाम आता है प्रोटियम,
दूसरे वाले आइसोटोप का नाम क्या आता है? ड्यूटीरियम। तीसरे वाले का नाम ट्राइटियम आता है। ओके, तो प्रोटियम हो गया, ड्यूटीरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो तीसरे वाले में क्या ना कि स्पेशल नोट लिख सकते हो, तीसरे वाले को कह सकते हो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, यानी ट्राइटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ओके, अब जरा देखो, अब तुमसे ऑब्जेक्टिव में क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जितने भी आपके आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। जरा चेक कर लो बेटा, देखो इसमें कितना आएगा, इसमें एक आएगा, ठीक है। अब दो में से एक माइनस करोगे तो इधर ने देखो इसमें जीरो आएगा बेटा, इसमें क्या आएगा, जीरो। दो में से एक जाएगा तो एक आएगा, तीन में से एक जाएगा तो दो आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन आएगा यहाँ पर वो कितना आ गया, इसमें टोटल न्यूट्रॉन कितना आ गया, एक और दो तो एक प्लस दो विच इज इक्वल टू तीन, अंडरस्टैंड हो गया। तो देखो ऐसे भी क्या ना कि ऑब्जेक्टिव में आपके प्रश्न बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए आप आइसो बार में आ जाइए, तो आइसो बार में क्या लैंग्वेज आएगा, देखो ऊपर वाला सेम रहेगा, ऊपर वाले बोले तो एटॉमिक मास, तो इसमें क्या लिख सकते हो, सेम ए बट डिफरेंट जेड, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, देखो क्लियर हो गया, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब इसमें एग्जांपल देखो क्या लिख सकते हो, एग्जांपल देखो इसमें कार्बन 6 ले लो और इसका मास जो है ना ये 14 ले लो, नाइट्रोजन जरा चेक कर लो, नाइट्रोजन हो गया ये 7 हो जाएगा, ये 14 चेक कर लो, क्लियर हो गया। तो देखो आप ऐसे इसको आइडेंटिफाई कर लो, ऊपर वाला क्या है, सेम है, नीचे वाला क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और भी एग्जांपल आप नोट कर सकते हो, जैसे एल्युमिनियम और सिलिकन में ले सकते हो, एल्युमिनियम और सिलिकन में ले सकते हो, एल्युमिनियम का स्पेशली क्या कहते हैं 13, एल 27 हो जाएगा, सिलिकन में भी क्या हो जाएगा आपके पास 14, एल 27 ले लोगे, ठीक है। तो 13 और 14 का जो एटॉमिक नंबर डिफरेंस आ गया ना, ये भी आपका एग्जांपल आइसोबार में आ सकता है। नेक्स्ट देखो आइसोटोन है, तो आइसोटोन का लैंग्वेज क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसमें क्या वर्डिंग ऐड करोगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड करोगे। ओके तो बेटा इसमें ऐड करोगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये आपके लिए क्या ना बिल्कुल नया है, तो इसको आप मार्जिन कर दीजिए, यानी आइसोटोन का मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो मैं इसमें एक एग्जांपल की प्रैक्टिस करा देता हूं, एग्जांपल देखो आपके पास, एग्जांपल बेटा 1s3 ले लो, ठीक, इसको क्या बोलोगे, ट्राइटियम बोला जाएगा। अभी देखो ऊपर लिखा गया है, ये आपके पास कुछ ऐसे है। अगला देखो इसमें क्या एज्यूम कर सकते हो, हीलियम, क्या एज्यूम कर सकते हो, देखो हीलियम ले लो, 2He4 ले लो, इसका देखो मुझे न्यूट्रॉन चेक करना है, सेम है कि अलग है, तीन में से एक जाएगा दो, ठीक है। तो यहाँ कितना मिला, तीन में से एक गया दो, यहाँ निकालोगे चार में से दो जाएगा दो, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया इसमें, सेम आ गया ना, तो इसको वाले को आइसोटोन बोला जाएगा, क्लियर हो गया, इतना नोट कर लीजिए। अगला बेटा देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अगला क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें वर्डिंग क्या लिखोगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पीसीज लिखोगे, इसमें वर्डिंग जरा मेंशन करना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पीसीज, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या ना कि कोई ना कोई आपको स्पीसीज दिया जाएगा, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो ऐसे वाले को बोला जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो आइसो मतलब सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्या सजेस्ट कर रहा है कि मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होगा, क्या सेम होगा, इलेक्ट्रॉन सेम होगा, तो ऐसे वाले को क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलोगे, क्लियर हो गया। तो आओ देखो इस पे एग्जांपल की प्रैक्टिस करा देते हैं, तब तक क्या ना कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटा देखो इसमें क्या ना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या ना कि देखो ये स्पीसीज है, जैसा कि मैंने अभी बोला था अभी अपने पिछले वाले स्लाइड में कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में देखो आइसो का मतलब सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, कौन सेम होगा, इलेक्ट्रॉन सेम होगा। मैंने इसमें वर्ड मेंशन किया था स्पीसीज, क्या मेंशन किया था, स्पीसीज मेंशन किया था। अब जरा देखो इसमें क्या ना दी जा रहा था, स्पीसीज कुछ कैटायंस हैं, कुछ एनायन है, कुछ मोनोकैटायन है, कुछ डाइकैटायन है, कुछ ट्राइकैटायन है।
अब देखो इनमें सब में चेक करोगे बेटा तो Na प्लस, वैसे सोडियम पे जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा। तो देखो इसमें से एक प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, लॉस करना होता है, प्लस का मतलब लॉस करना। तो यहाँ चेक करोगे तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है, क्लियर हो गया। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें भी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहां से कहना देखो 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कितना आएगा 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें देखो क्या ना 3 माइनस है, तो नाइट्रोजन पे 7 होता है, 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा 10। देखो सब में क्या आ रहा है, 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ऐसे वाले को क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलोगे। अब देखो यहाँ डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेटा क्या ना ये स्पीसीज में होता है, किसमें होता है, स्पीसीज में होता है, और आइसोटर जो होता है ना ये एलिमेंट्स में होते हैं, किसमें होते हैं, एलिमेंट्स में, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसको आप मार्जिन कर सकते हो। ओके, तो ये आपके लिए स्पेशली होमवर्क है, आप इसमें अलग से आप देख सकते हैं, या मेरे पास अभी प्रॉब्लम सेट में दिख जाएगा तो मैं अभी प्रॉब्लम में करा देता हूँ। तो आइसोटर में स्पेशली क्या ना ये आपको एलिमेंट्स में दिखेगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो क्या बोलोगे, आइसोटर बोलोगे। जो आपको अलग से स्पीसीज लाइक कहना है कि रेडिकल्स देगा, या उसमें कैटायन देगा, या फिर उसमें एनायन देगा, तो उनमें जो आपके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इसको क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलोगे। क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट इज आइसो डाइफर। ओके, आइसो डाइफर क्या बेटा कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आइसो डाइफर क्या है कि हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में, एकेडमिक सिलेबस में नहीं है ये, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक जेई नीट में पूछा जाता है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स मोर देन टू एलिमेंट्स या दो एलिमेंट्स में, जिनमें क्या ना कि डिफरेंस करोगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, अगर ये सेम पाया जाएगा तो ऐसे वाले को क्या बोलोगे, आइसो डाइफर बोलोगे। तो लाओ मैं देखो इन्हीं पे क्या ना कि एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा देता हूँ, रोड़ा दिए तुम समझो, ऑन किए हो। देखो आपके सामने एक बेहतरीन प्रॉब्लम प्रैक्टिस है, तो इसमें क्या ना कि सारे आप अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, इसमें आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोडाइफर्स, आइसोबार, ये सारे कंक्लूड हो जाएंगे। देखो इसमें सबसे पहले क्या ना कि चेक कर लेते हैं, और देखो ए को चेक करते हैं बेटा, तो इसमें एटॉमिक नंबर देखो सेम है, 26 यहाँ भी है, 26 यहाँ भी है। अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, आइसोटोप्स कहलाएगा। तो ए वाले का आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। तो इधर आप आंसर नोट कर लीजिए, इसको चेक करो बी वाले में, 1s3 है, 2s3 है। इसमें देखो क्या ना ऊपर सेम है, इस बार क्या सेम है, ऊपर सेम है। तो इसको क्या जस्टिफाई करोगे, जिसका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। बेटा इसमें बी वाले को क्या लिख सकते हो, आइसोबार कहाँ ऑप्शन में है, फोर्थ में है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। इसको चेक करो, देखो जब ऐसे डिफरेंट आ जाए, जब एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट आ जाए, मास नंबर भी डिफरेंट आ जाए, तो पहले न्यूट्रॉन चेक कर लिया करो। देखो 6 में से 2 जाएगा, 4 हो जाएगा, निकाल लो। 7 में से 3 जाएगा, बेटा 7 में से 3 जाएगा, 4 होगा। ओके, इधर चेक करो, 7 में से 3 जाएगा, 4, और 7 में से 3 जाएगा, 4। देखो 44 सेम आ गया। तो बेटा इसमें स्पेशली अब देखो स्पेशली सी जो आएगा, सी का आंसर इसमें आइसोटोन आएगा। ओके, अब देखो स्पेशली क्या ना, देखो डी इसमें चेक करो, 92 है, इसका जरा निकालो न्यूट्रॉन की संख्या निकालो। देखो पहले इसको ई चेक कर लो, ये आसान दिखता है, 1H1 है, 1D2 है, 1T3 है, तो ई वाला पहले चेक कर लो। ई वाला देखो आइसोटोप्स आएगा, ये तो रटा रटाया पैटर्न है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो बेटा इसमें क्या आएगा, ई का पहला आ जाएगा। इनको चेक कर लो, ये शायद क्या ना कि आइसोडाइफर हो सकते हैं। तो ये दीज टू एग्जाम्पल्स आर होमवर्क, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो इसको आप मेरे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।